अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपने YouTube चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको डबल क्रोशिये स्टिच कैसे बनता है वो सिखाऊंगी। और इसके लिए ये मेरे पास क्रोशिया है जिसका नंबर है 2.5, ठीक है। और ये सबसे पहले हम इस पे चेन बनाएंगे धागे से, ठीक है। ऊन, ये मेरे पास ऊन का धागा है। ये स्लिप नॉट लगाना, और मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था चेन बनाना और सिंगल क्रोशिया कैसे बनता है वो भी सिखा दिया था, ठीक है। आप उसमें देख सकते हैं मेरी पिछली वाली वीडियो में। ये मैं इसमें कम तकरीबन 13 चेन लूँगी, ठीक है। एक, दो, तीन, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, ठीक है। अब हमने ये करना है कि ये जो पहली हमारी 3 चेन है, ये वाली फर्स्ट, ठीक है, एक, दो, तीन, ठीक है, ये तीन जो है ना, इनको हम स्किप कर देंगे। और ये जो हमारी चौथी वाली चेन है, इसके अंदर में हमने अपना पहला जो है डबल क्रोशिए का स्टिच वो बनाना है, ठीक है। इसको हम इस तरह से क्रोशिए पे बल देंगे धागे को, और ये एक, दो, तीन चेन जो है इनको स्किप कर देंगे, और चौथी वाली चेन के अंदर से यूँ क्रोशिया डालेंगे। और इस हुक की मदद से क्रोशिए के धागे को ये देखिए इस तरह बल देंगे, और इसके अंदर से इसे बाहर ले आएंगे। अब ये हमारे पास 3 लूप्स बन गई हैं, ठीक है। ये जो पहली फर्स्ट 2 लूप्स हैं, पहले हम इसमें से धागे को इसी तरह से ये देखिए धागे को बल देकर ये पहली 2 लूप्स के अंदर से बाहर ले आएंगे। अब हमारे पास पहले 3 थे, अब हमारे पास 2 लूप्स हैं, ठीक है। अब इन 2 के अंदर से हम इसी तरह से बल दे के धागे क्रोशिए के साथ बाहर ले आते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट डबल क्रोशे बन गया है। अब हम बाकी नेक्स्ट जो है अगली चेन उनमें भी बना लेंगे। अब फिर से हम इसी तरह से धागा जो है इसको क्रोशिए के ऊपर बल देंगे, और नेक्स्ट चेन जो है उसके अंदर से ये देखिए क्रोशिए को डालेंगे, और धागा इसी तरह से फिर उसके ऊपर क्रोशिए के ऊपर लपेट के ये जो हमारी हुक है क्रोशिए की, इसकी मदद से हम फिर इसे बाहर ले आएंगे। और ये फिर से 3 लूप्स बन गई हैं। ये जो पहली वाली, ये जो फर्स्ट वाली 2 लूप्स हैं, इनके अंदर से फिर इसी तरह से हम बल दे के धागे क्रोशिए के ऊपर ये देखिए धागे को इन 2 लूप्स में से निकालेंगे। अब फिर से 2 लूप्स बची हैं, इनके अंदर से भी इसी तरह क्रोशिए को धागे को निकाल लेंगे। ये हमारे पास अब बन गए हैं 2 डबल क्रोशिए। अब इसी तरह से बाकी की सारी चेन जो है इनके अंदर से भी ये देखिए धागे को इस तरह से फिर क्रोशिए के ऊपर लपेटा, और ये नेक्स्ट चेन में से क्रोशिया डालेंगे, धागा बाहर लेके आएंगे। ये जो फर्स्ट 2 चेन है, इसके अंदर से ये धागे को बाहर ले आएंगे। फिर से ये 2 जो हमारे पास लूप्स बचे हैं, इनके अंदर से भी इसी तरह धागे को बल दे के क्रोशिए पे वही निकाल लेंगे। ये इसी तरह से हम सारा नेक्स्ट जो है चेन बनाते रहेंगे, और ये हमारे पास डबल क्रोशिया स्टिच बन जाएगा सारा। ये बहुत आसान है। आप पहले पिछली वीडियो जो है उसमें से जाकर वो चेन बनाना और सिंगल स्टिच और ये स्लिप स्टिच वगैरह सीख लें, फिर ये उससे नेक्स्ट आप इस पर काम करेंगे। आप थोड़ा सा इसको मेहनत करेंगे इसके ऊपर, तो ये भी आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये सारी हमने चेन जो थी हमारे पास उसके अंदर से ये डबल क्रोशिया स्टिच बना लिया है। देखिए ये इस तरह से कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हम इसको 3 चेन लेंगे दोबारा से। ये देखें, 1, 2, 3, और इसको यूं करके पलट लेंगे, ठीक है। और फिर से हम इसे बल देंगे 3 चेन देने, ये देखिए बनाई हमने इस तरफ से, और फिर इसको यूँ पलट लेंगे। फिर से हम ये क्रोशिया को बल देंगे इसके ऊपर, ये धागा जो है इसके ऊपर से ले जाएंगे, और हमारी जो नेक्स्ट चेन है ये देखिए, ये पहला जो हमारा स्टिच था, ये पहला है, ये दूसरे वाला, ये तो हमारे पास एक स्टिच बन गया है ना, ये अब दूसरे सुराख के अंदर से इसे हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर से ये देखिए 3 लूप्स हैं, ये 1, 2, 3, जो फर्स्ट वाली हैं
दो, उनमें से पहले हम इस तरह से धागा बाहर निकालेंगे, अब दो लूप्स हैं इनके अंदर से भी बाहर निकालेंगे। इसी तरह से बाकी की भी सारी चेन जो है उनके अंदर से हम ऐसे ही डबल स्टिच जो है ना क्रोशिया का भी बना लेंगे। धागे को बल दे के इस तरह से ये सारे लास्ट तक हम ऐसे ही बनाएंगे इसके अंदर से। ये पूरा कंप्लीट करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ ये कैसे बनाए। ये ऐसा इसकी बन जाएगा, ये है डबल क्रोशिया, ठीक है, डबल क्रोशिया स्टेज। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक्स एंड कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में आए हुए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।